बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम टैक्स की टाइप्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें ना, तो आपको टैक्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, या तो ये डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर, एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन और जिसकी पेमेंट, एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन और पेमेंट सेम पर्सन के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुर्तुजा कायद की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, तो मुर्तुजा कायद की इनकम टैक्स की पेमेंट मुर्तुजा कायद ही करेगा और इसका बर्डन भी मुर्तुजा कायद ने ही बर्दाश्त करना है। तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स की। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग मुझे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, तो टैक्स की पेमेंट भी मैंने ही करनी है और उसका बर्डन भी मुझे बर्दाश्त करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स की। इसी तरह से अगर हम अपने रिलीजन में देखें जकात, तो जकात भी एक डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई वेल्थ है और वो वेल्थ पूरा एक साल तक मैं होल्ड करता हूं, तो जकात उस वेल्थ के ऊपर मुझे 2.5% से जकात पे करनी है। तो जकात पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है और उस जकात की पेमेंट का जो बर्डन है वो भी मैंने बर्दाश्त करना है। तो जकात भी एक डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है। दूसरी जो टैक्स की टाइप है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसे टैक्स को कहते हैं जिसकी पेमेंट एक बंदा करे लेकिन उसका बर्डन कोई और बंदा बर्दाश्त करे। एक ऐसा टैक्स जिसकी पेमेंट एक पर्सन करे लेकिन उसका बर्डन किसी और की तरफ ट्रांसफर हो, कोई और इसका बर्डन बर्दाश्त करे, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स की सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के केस में होता क्या है कि जितने भी हमारे इकोनॉमी के सप्लाई चेन मेंबर्स हैं, इंपोर्टर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे सप्लाई चेन मेंबर्स सेल्स टैक्स की पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन जो भी ये सेल्स टैक्स की पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये इस सेल्स टैक्स को अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर पे पास ऑन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेसिकली जो सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स है, बिजनेसमैन या सप्लाई चेन मेंबर सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स की पेमेंट करता है गवर्नमेंट को और इसी टैक्स का बर्डन वो एंड कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हायर इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो गया, इसी तरह से कस्टम ड्यूटी हो गया, ये टैक्सेस ऐसे हैं जो कि सप्लाई चेन मेंबर पे करता है गवर्नमेंट को और कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली जो डायरेक्ट टैक्स है ये लोगों की प्रॉफिट पे, वेल्थ पे, इनकम पे चार्ज होता है, लेकिन जनरली जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है, इसीलिए इसको एक तरह से हम कंजम्पशन टैक्स भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ टाइप ऑफ टैक्सेस के वाले से डिस्कस किया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आपके सीफेब 5 के कोर्स में एक डायरेक्ट टैक्स आपने कवर करना है और दो इनडायरेक्ट टैक्स आपने कवर करना है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये डायरेक्ट टैक्स हमारे कोर्स का पार्ट है। और दो इनडायरेक्ट टैक्स, नंबर 1 सेल्स टैक्स एंड नंबर 2 फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये दो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने अपने सीफेब 5 के कोर्स में कवर करना है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।